कोटाबूंदी लोकसभा सीट के सांसद ओम बिरला के दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने के बाद अचानक उनकी आईएएस बेटी अंजलि बिरला चर्चा में आई थी। चर्चा अंजलि के यूपीएससी पास करने को लेकर हुई थी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह दावा किया कि बिना परीक्षा दिए ही सांसद की बेटी ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। अब इस मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ध्रुव पर यह केस उनके नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चल रहे एक पैरोडी अकाउंट से किए गए एक ट्वीट को लेकर हुई है। आरोप है कि इस ट्वीट में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला को लेकर झूठ फैलाया गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक ध्रुव राठी की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ध्रुव राठी के नाम से चलने वाले एक अकाउंट पैरोडी से अंजलि बिरला के यूपीएससी क्लियर करने को लेकर बीते दिनों एक ट्वीट किया गया था। इस अकाउंट का नाम ध्रुव राठी और ब्रैकेट में पैरोडी है और इसका हैंडल @ध्रुव राठी है। इस अकाउंट के 81.4K फॉलोवर्स है। पैरोडी अकाउंट के बायो में ये लिखा है कि ये ध्रुव राठी का फैन और पैरोडी अकाउंट है। इसका ध्रुव राठी के ओरिजिनल अकाउंट से कोई संबंध नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि के बारे में ध्रुव राठी के पैरोडी अकाउंट से किए गए पोस्ट के मामले में महाराष्ट्र नोडल साइबर पुलिस की तरफ से 10 जुलाई को ध्रुव राठी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई। ध्रुव राठी का यह एफआईआर ओम बिरला के परिवार के सदस्य की तरफ से दी गई शिकायत के बाद दर्ज की गई है। मामले में पुलिस ने जांच भी आप देखिए कि शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जिस एक्स अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है क्या वह ध्रुव राठी का ही है, क्या उस अकाउंट को वो ही चलाते हैं। मामले में किए गए पुलिस शिकायत में ये कहा गया है कि इस विवादित एक्स पोस्ट में अंजलि बिरला के यूपीएससी परीक्षा को क्लियर करने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अंजलि ने बिना परीक्षा दिए ही एग्जाम क्लियर कर लिया, जबकि सच ये है कि अंजलि ने 2019 में पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर किया था। शिकायत में कहा गया कि इसके बावजूद ध्रुव राठी ने पोस्ट कर अंजलि की बदनामी की और बिना अनुमति के उनका फोटो भी इस्तेमाल किया। इस मामले में ध्रुव राठी पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मानहानि, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करने, शांति भंग करने और इसके साथ ही आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दूसरी ओर एफआईआर दर्ज होने के बाद ध्रुव राठी के पैरोडी अकाउंट से ट्वीट कर मामले पर माफी भी मांगी गई है। माफीनामे में ये लिखा गया है कि महाराष्ट्र साइबर सेल द्वारा निर्देशित किया गया है, मैंने अंजलि बिरला पर अपने सभी पोस्ट और टिप्पणियां हटा दी है। इसमें आगे लिखा गया है कि मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं तथ्यों से अनजान था और किसी और के ट्वीट की कॉपी कर मैंने इसे साझा किया था। ओम बिरला की बेटी अंजलि के यूपीएससी पास करने पर सवाल उठाते हुए ध्रुव राठी के पैरोडी अकाउंट से लिखा गया था कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां बिना परीक्षा में बैठे यूपीएससी पास कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी के रूप में जन्म लेना होगा। ओम बिरला की बेटी ने बिना कोई परीक्षा दिए यूपीएससी पास कर ली है। वह पेशे से एक मॉडल है। मोदी सरकार हमारी शिक्षा प्रणाली का मजाक उड़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।